हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शेफ आज बनाने जा रहा हूँ तुर्की शोरबा, तुर्की स्टाइल का शोरबा। मैं 1 किलो मसूर दाल ले लिया हूँ, 1 किलो मसूर दाल ले लिया। मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं मसाला इसमें ऐड करता हूँ। दाल में मैं पानी डाल दिया हूँ। अब इसमें मैं टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑनियन, गार्लिक और चिली फ्लेक्स, ये सब मैं ऐड करता हूँ। मैं ऑनियन ले लिया 4 टेबल स्पून, ऑनियन चॉपिंग ले लिया हूँ 4 टेबल स्पून, गार्लिक चॉपिंग ले लिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ले लिया हूँ और 10 ब्राउन चिली फ्लेक्स, ये सब सारा मैं ऐड कर देता हूँ दाल में। अब ये दाल को इसी तरह पानी में 1 घंटा रखेंगे। 1 घंटा के बाद इसको मैं फिर बॉईल करेंगे। 1 घंटा हो गया, अब इसको बॉईल कर ले रहा हूँ। 20 मिनट लगेगा बॉईल होने में, ये दाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट में बॉईल हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। दाल बॉईल हो गया है 20 मिनट में, ऐसा बॉईल होना चाहिए। अब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो मैं इसको स्टॉक करके रखेंगे नॉर्मल फ्रिज में। जितना मेरे मुझे चाहिए उतना मैं यूज करेंगे। 3 दिन तक स्टॉक रख सकता है इसको, 3 डेज ओनली। मैं अभी इसमें 5 पोर्शन रेडी करेगा, उसमें मसाला में क्या क्या ऐड करेगा मैं वो भी दिख। 5 पोर्शन दाल मैं ले लिया हूँ, अब उसमें मैं मसाला ऐड कर रहा हूँ। यह है मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हाफ ब्लैक पेपर, 1 पीस मैगी क्यूब्स, ये 3 मसाला इसमें ऐड करेगा। उसके बाद इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड करेगा। आप चाहे तो सादा पानी डाल सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सादा पानी डालें, और अगर आप नॉन वेज हो तो आप चिकन जो बॉइल करते हैं उसका पानी भी डाल सकते हैं। हम इसमें चिकन का पानी ऐड किया हूँ, इसलिए शोरबा के लिए चिकन का पानी ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं इसमें चिकन का पानी ऐड किया। आगे का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता फिर मैं दिखाता हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पका लेता हूँ। 10 मिनट लगेगा ये रेडी होने में, मसाला सॉल्ट सब ऐड कर दिया, 10 मिनट में कम्प्लीट हो। दोस्तों अब ये तुर्की का शोरबा जो है कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। यही कलर होना चाहिए। अब मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में मैं जवाब देने की पूरा कोशिश करूँगा। और लाइक शेयर फॉलो मी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, आगे इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, नए नए आइटम के वीडियो आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।